अरे ये मेरा मसाज कर रही है, ठोक रही है, जरा पूछ गौरी। ऐसा काम करके आया है ना, इसलिए ठोक रही हूँ, बोल दे इसे गौरी। उधर सब लोग गलत काम कर रहे थे। अच्छा? इसलिए मैं उन सबको मारने गया था। बहुत अच्छा काम किया है मैंने, तेरा भाई ना बहुत पहलवान है। ऐसा तो? बोल दे इसको गौरी। इतने मर्द लोग हैं, लेकिन इन लफड़ों में सिर्फ तुझे क्यों पड़ना है? हाँ? मैं क्या कर सकता हूँ, गांव के सभी मर्दों को 6-7 बच्चे हो गए हैं, तो सारे मर्द बेचारे डर जाते हैं, लेकिन मैं तो अकेला हूँ, इस गांव का ब्रह्मचारी। क्यों खुशबू? ए खुशबू, तू हूँ बोल रही है? हम दोनों के बीच में बोली ना तो याद रख। डरो मत खुशबू, तुझे किसी अच्छी फिल्म में एक चांस दिलवा दूंगा। अब तू भी आ गई, ये डायलॉग मारा है और तू इसी की साइड ले रही है। ए मालाश्री, आज तेरा दोपहर का खाना कट। उसने तो सुबह ही 3 टाइम का खाना खा लिया है और अभी कितने अच्छे से चामुंडा दुर्गा महाकाली की तरह खड़ी है अपनी मालाश्री। क्या बात है बहना? मेरी आंखें खुलने से पहले माँ चल बसी, मेरे चलने फिरने से पहले पिताजी भी चल बसे, अब मेरे लिए सिर्फ तू बचा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ओले 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 मेरी बच्ची। अरे इसको तो तिबग, श्रुति तो रो रही है, पता नहीं तूने कौन से मुहूर्त पर उसका नाम श्रुति रखा है। अरे क्यों रो रही है, चुप हो जा। अरे माजी रानी, रडू नकोस गप्पा बस। पहले जाकर नहा ले, खाना भी खाना है। ठीक है बहना। खीर। हेलो, ये क्या है बहना? तूने खीर बनाई है तो उसमें शक्कर नहीं है, सांबर बनाई है तो उसमें नमक नहीं है, तीखा नहीं है, मीठा नहीं है। बीमार लोग जो खाना खाते हैं वैसा खाना मुझे खिला रही हो क्या? तूने ठीक से खाना खाए बिना उन लोगों को इतना मारा। अगर तुमने सही खाना खाया तो तुम राक्षस बन जाओगे। तुझे अभी अक्ल नहीं आएगी, किसी घमंडी को लाकर तेरे गले में बांधूंगी ना, तब तुझे अक्ल आएगी। नो, डोंट कम इन द मैटर ऑफ ब्रदर्स ऑफ द मैरिज ओलिश फेलोज। देख ले बहना, तू कुछ भी काम बोल वो मैं करूंगा, लेकिन मेरी शादी के मैटर में बिल्कुल मत बोलना प्लीज। ए ब्लैकी, व्हाट? खाना लेकर कहाँ जा रहे हो? तो और क्या करूँ, तेरा बनाया हुआ ये खाना और गाय को जो घास डालते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, उससे अच्छा इसी खाने को मैं आचार के साथ खा लूंगा। चलो बाय। भैया सब बर्बाद हो गया, अपने हाथ से निकल गया, टाइगर अपने गांव में घुस गया। भैया भैया, एक दो रेप होने से पहले ही उसे रोकना होगा। भैलारी, धन लक्ष्मी पर उसकी नजर है, गांव की इज्जत का सवाल है। अच्छा, अभी उसको छोड़ना नहीं है। लोगों को इसे तकलीफ देते हो, शर्म नहीं आती है क्या? तुम लोग पूरे गांव को डरा सकते हो लेकिन मुझे नहीं। जाएगा, मुझे पार करके जाएगा। जा, अगर तुम मर्द है तो जाके दिखा दे। अगर जबरदस्ती करेगा ना तो रेप केस बन जाएगा। अबे हर 3 दिन में तू लाड में आ जाता है। तेरी बॉडी के मसल्स देखकर मैंने तेरा नाम टाइगर प्रभाकर रखा है, और तू क्या कर रहा है? वो सामने जो धनलक्ष्मी रहती है उसे परेशान कर रहा है तू। आणि बाजूला जी पंकजा राहते उसको बदनाम कर दिया तूने। अपने सोना होने की जो शोभा है, सुन सबको तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो बेचारी रोती बैठती है, रो रो कर वीक हो गई है। जरा चुप रहा कर यार। अभी कल ना मैं एक अच्छी रानी लेके आऊंगा तेरे लिए, और वो ना एकदम शकीरा की तरह नाचती है, लाकर तेरे सामने बांध कर रख दूंगा, जो करना है वो कर लेना। हे भगवान, इसमें जो कैपेसिटी है वो किसी मनुष्य को मत देना, ना जाने मेरे हाथों कैसा कैसा काम करवा रहा है तू। देवा श्री कृष्ण। श्री कृष्णा। अरे घास के टीले से धुआं कहां से निकल रहा है? ए दीदी कितना मस्त दम मार रही है ना दीदी।
मजा आ रहा है क्या? ए, हमारी हाँ। दीदी तो सिगरेट पीने में मास्टर है। वाह दीदी वाह। क्या बात है दीदी? क्या मस्त धुआं उड़ा रही है ना? नशा हो रहा है क्या? दीदी कान से भी धुआं छोड़ती हो? हाँ हाँ आंखों से भी छोड़ सकती हूँ। देखो देखो अबे इसकी तो है। कौन है तू? कहाँ से आई? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? हाँ अरे बदतमीज कहीं। अरे छोटे बच्चों को साथ में रखकर घास के टीले के पीछे सिगरेट फूंक रही हो। अरे आग लग गई तो क्या हो जाएगा? गुरु आग लग गई तो लग गई, क्या कर सकते? कोई कुछ नहीं कर सकता। ए, ए, दुनिया ना कान के नीचे लेवल मेरे के बात कर। गणपति के बाजू में रहने वाले चूहे के साइज का है तू। जो चाहे वो करे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या बोला? तुम कौन होते हो हमें पूछने वाले? ये रेप क्या होता है? मुझे भी नहीं पता दीदी, लेकिन फिल्मों में हीरोइन रेप 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 करके चिल्लाती रहती है। ओहो तूने तो सुपर आइडिया दिया छोटू। अरे बेशरम बच्चा, चलो भागो यहाँ से। हाँ रेप रेप। अरे बाप रे। अरे बच्चा, अरे क्या कर रहे हो? अरे ये तो इसके साथ है। अरे तुम मुझे क्यों पकड़ रही हो? अरे मुझे छोड़ दो, ये सब छुआछूत नहीं चलेगा। क्या हो रहा है? अरे ये तो भाव में गिर रही है, क्या कर रही है? प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे मुझे माफ कर दे। अरे चल रहा है। अरे भाई साहब कुछ नहीं कुछ नहीं, आप अपना काम करो, काम करो आप अपना। अरे माँ देवी पुण्यवती, लेडीज वेयर दुकानों में जाता हूँ तो लेडीज कपड़ों को छूता भी नहीं हूँ। मेरे घर पे गाय और सांड का मिलन होता है वो भी नहीं देखता हूँ। और तुम हो के मुझे रेप के केस में फंसा रही हो। मैं चलता हूँ यहाँ से। तुझे एक लात मारूंगी ना। लात मारेगी? चल निकल निकल यहाँ से। अरे बाप रे, तुम्हारे झमेले में नहीं पड़ना। चल चल निकल। अरे चल भाई, अरे निकल यहाँ से बेटा, बहुत डेंजर लड़की है ये। मधुसूदन, इस बार हम दूध नहीं बेचेंगे। ज्यादा कमाने हैं क्या? दूध उतारो, पैसे गिनो और चलते बनाओ। यह हल्ला क्यों मचा रहे हो? पैसे का मामला नहीं है, दूध में पानी मिलाते हो, डुप्लीकेट बिल देते हो, इतना सब धोखा देकर शर्म नहीं आती है? सरकार हमें जो देती है वही हम आपको देते हैं। सरकार आपको जो दे रही है वो बिल्कुल सही दे रही है, लेकिन आप हमें बराबर पैसे नहीं दे रहे हो। आप उसमें भी पैसे मार रहे हो हमारे। हमारी सब्सिडी तुम लोग खा जाते हो और हम पे हुक्म चलाते हो। तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। रुको, गौड़ा साहब आने वाले हैं, अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। चेहरे पर दूध गिरा है तो उसे पोंछ लिया, एसिड गिरा होता तो? कौन है रे? चिल्लाने वाला कौन है? तुम सबका भला करने के लिए मैं प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बनाओ ना? जानता हूँ ये सब कर्जा बचाने के लिए कर रहे हो कमीनो। क्या